नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नुकसान में ही रहेगा, उसकी मर्जी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते दोस्तों। अच्छी चीज़ दिखाएंगे, आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करो या ना करो, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सर्दी, ये वीडियो प्रॉपर सर्दी पे रहेगी कि कौन सी सर्दी बेस्ट है, ठीक है, और कौन से मानदीप है, मैं आपको सब बता देता हूँ। ये नाइनतार पांडा है, ये ग्रीफिन पांडा, ये नॉर्मल पांडा नहीं है दोस्तों, क्वालिटी वाला पांडा, ग्रीफिन पांडा। ये चार तार का है, मन्नू भाई का, आपको पता ही है, अब मैंने वीडियो डाली है रिसेंटली। ये रोहित भाई का 8400 है। ये कभी जब चरखियाँ नहीं थी, काफ़ी पुराने टाइम की बात है दोस्तों, तो मैंने अपने हाथ से बनाई थी, ये ऐसे ही है, ठीक है। इसके नीचे जो ये वाली सर्दी है, ये भी बताऊंगा क्या है। ये जो शॉप पे कलर वाली सर्दी होती है वो ये है, और इसके ऊपर जो ये मांझा है, अदनान अली का 1-2-3 पे है। ये मंजी हुई सर्दी है जो हम दोस्तों क्लबों में लड़ाते हैं, वो वाली सर्दी है। ये विक्टर पे नहीं है दोस्तों, विक्टर वाली सर्दी से मजबूत है ये सर्दी, ये उस वाली जो कंपनी होती है उसकी सर्दी मजबूत होती है। ये 12 कोड का मांझा ही होता है, पोर्टेबल का, सर्दी के तौर पर यूज करने के लिए। ये मैं मनोज भाई से लेके आया था नजरगोट से, उनके पास था तो मैंने उनसे ले लिया, क्योंकि उल्टेबल की सर्दी ये है। इसका मैं बताऊंगा दोस्तों क्या दिक्कत रहेगी उल्टेबल की सर्दी में। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले, अगर आप जो भाई पांडा से डो पांडा वाली जो डोर होती है उससे पतंग लड़ाते हो, तो कन्ने भी दोस्तों इसी मांझे से बांधिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस वाली नॉर्मल सर्दी से या इस वाली सर्दी से कन्ने बांध दिए तो आपके वो सर्दी इस वाले मांझे को खराब कर देगी, ठीक है। कोशिश करिएगा इसी वाले से बांध दे, मांझे से ही बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब बांधो ना वहाँ से थोड़ा गीला कर लेना जहाँ से गांठ लगा हो, ताकि कटे ना, ठीक है। अब बात करते हैं सर्दियों की। देखिए दोस्तों, ये है ओसवाल कंपनी की मंझी हुई सर्दी, ठीक है, और विक्टर की सर्दी जो होती है वो मंझी हुई सर्दी दोनों तरीके होते हैं, प्लेन भी होती है और मंझी हुई भी होती है। अगर ये दोनों में अगर मैं कंपेरिजन दूँ, प्लेन में दोनों में, विक्टर में ओसवाल में, तो ओसवाल काफ़ी मजबूत धागा है अकॉर्डिंग टू विक्टर के। अच्छा दोस्तों, ओसवाल का जो ये मंझी हुई सर्दी, ये थोड़ा झोल ज़्यादा लेती है विक्टर के अकॉर्डिंग, इसमें झोल ज़्यादा रहता है। और जो हमारी ये दुकानों पे मिलती है कलरफुल सर्दी, कलरफुल सर्दी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इसका झोल कम है इसके अकॉर्डिंग, और ये थोड़ी सी मतलब मजबूत कम है, पर अच्छी डोर निकली है, अच्छी सर्दी मान के चलिए, बहुत बढ़िया सर्दी है, कोई कमी नहीं आई अभी तक। ये है 12 तारीख। देखिए अब मैं बताता हूँ, अब आप जो मांझा यूज करो, देखिए जैसे मैं 1-2-3 का यूज करता हूँ, ठीक है, अब मैं इस वाली सर्दी पे बांधता हूँ। देखिए मैंने इस वाली सर्दी बांध रखा तो कोई घूमने वाली बात ही नहीं होती, ठीक है, ऐसे करके ऐसे गांठ मारिएगा ऐसे, और ऐसे करके ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं घूम रहा है, बिल्कुल टाइट है, ठीक है। ये है अपनी 1-2-3 की सर्दी हो गई, 4 तार की हो गई, ये सब पे काम करेगी। ये वाली सर्दी जो दोस्तों ये वाली है, ये 1-2-3 पे, 4 तार पे और 8400 तक, बस 8400 में भी मैं बता देता हूँ, कई बार थोड़ा थोड़ा सा ना दोस्तों दिक्कत आती है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जैसे 4 तार है, ये 8400 का ही धागा है, अगर जब मैं इसको लगाऊंगा ना इस पे, ये देखिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत कैसी है वो मैं बता देता हूँ 8400 पे सर्दी के साथ। अभी देखिए आप, ये भी टूट गया है, दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ऐसे किया और ऐसे मैंने गांठ मार दी। अब देखिए जैसे आप देखोगे ना तो ठीक ही काम कर रहा है, हल्का हल्का सा घूम रहा है, आप देख सकते हो ये हल्का घूम रहा है, मतलब ये मान के चलिए 8400 में हल्का फुल्का उल्टाबल होता है, ठीक है। लेकिन 8400 की एक कमी और है, उल्टेबल की सर्दी पे काम नहीं करेगा, काम करेगा इस वाली ही सर्दी पे, अपनी विक्टर की हो गई या नॉर्मल सर्दी पे ही काम करेगा 8400। अगर उल्टेबल की पे बांध दी तो और ज़्यादा गड़बड़ करेगा वो। ये देखिए जैसे उल्टेबल की सर्दी है, ये 12 कोड की, इस पे बांध देते, ये देखिए इस पे कैसे घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है आप यूज नहीं करोगे इस पे, ठीक है। ये हो गया 8400 की बात, मैंने आपको 8400 का बता दिया है, 1-2-3 का भी बता दिया, इस पे बांधने का, इन दोनों में से कौन से वाली सर्दी ठीक है, बेस्ट सर्दी ये है अपनी, ग्रिप मैदान के लिए बहुत अच्छी है दोस्तों, क्योंकि ना किसी की छत अड़ती है ना कुछ और। अगर आप छत से इसको लड़ाने की सोच रहे हो
तो मत लेना, क्योंकि वो झोल बहुत खाएगी, पड़ोसी की टंकी में अटकेगी या पाइप में अटकेगी, वो आप देख लेना, ठीक है। और अब बात करते हैं चार तार की। देखिए दोस्तों, ये है चार तार, ये चार तार है, वन टू थ्री का मैंने दिखा दिया, ये चार तार। अब चार तार पे हम इसको बांध के दिखाते हैं, ये देखिए चार तार पे भी नहीं घूम रही है अपनी नॉर्मल वाली सर्दी, ठीक है, तो बढ़िया है। ये भी ये चार तार को मैं साइड कर देता हूँ। देखिए नौ तार पे तो आपको पता ही है दोस्तों घूमेगी, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, ये नाइन कोड का प्रीमियम क्वालिटी का मान जाए दोस्तों, अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया, ना ही मैंने इसकी वीडियो डाली अभी तक। ये बबलू सिकंदर का है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये नाइन कोड में, ये देखिए कैसे घूम रहा है, ठीक है। अब आप लोग को मैं बताता हूँ एक चीज़ और जो कमी आती है नाइन कोड में, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। देखिए कभी आप उल्टेबल की सर्दी लो, जैसे मैंने 12 कोड की ले रखी है, और ये है नाइन कोड का पांडा दोस्तों। आप सोच रहे होगे कि मैं ये वाली सर्दी इस पे यूज़ कर सकता हूँ, नहीं दोस्तों, मैं 12 कोड वाली सर्दी नाइन कोड पे नहीं यूज कर सकता हूँ। क्यों नहीं यूज कर सकता, उसका रीज़न है ये देखिए, उसका रीज़न ये है, जब मैं इन दोनों को बांधूंगा आपस में, नाइन कोड और 12 कोड, तो ये भी आपस में कॉम्बिनेशन नहीं खाएंगे। देखिए दोस्तों, ये भी देखिए कैसे घूम रहे हैं, आपको दिख रहा है हल्का हल्का, ये भी देखिए, ये देखिए ये भी कैसे घूम रहा है। इसलिए जब भी आप नाइन कोड से उड़ाओ तो कोशिश कीजिएगा नाइन कोड की ही सर्दी लो, 12 कोड की सर्दी यूज मत कीजिएगा नाइन कोड पे। बेशक से इसका भी उल्टा बल होता है, मेरे पास शान भाई का 12 कोड मंजा है, तो मैंने उसके लिए ली है ये मनोज भाई से, ठीक है। अब और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये देखिए ये है नाइन कोड का, ये नाइन कोड का थोड़ा बचा हुआ पीस है, ठीक है, मतलब प्लेन धागा ही है ये, और मैं इसको नाइन कोड से लपेट के दिखाऊंगा। और ये देखिए ये है प्योर नाइन कोड, और ये भी नाइन कोड है, दोनों नाइन कोड है। अब जब मैं इन दोनों को ऐसे लगा के, अब देखिए घूम रहा है, बिल्कुल भी नहीं घूम रहा, देख लीजिए दोस्तों, कैसा भी कर लीजिए बिल्कुल नहीं घूम रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जौन सी डोर है कोशिश कीजिएगा उसी के लिए ही सद्दी ले, नाइन कोड यूज़ कर रहे हो तो नाइन कोड की ही लेना, 12 कोड की सद्दी मत लेना। और दूसरी चीज़, अगर 8400 तक आप डोर उड़ा रहे हो तो अपनी नॉर्मल वाली सद्दी बढ़िया यूज़ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो भाई मेरे चाइनीज मांझे से उड़ाते हैं उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए दोस्तों क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको चाइनीज मांझे से उड़ा के, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अपने कॉटन धागे भी यूज़ कीजिए, अपना नली का है, कल मैंने इससे लड़ाई थी दोस्तों, 7-8 पतंगे आराम से कटी, 1-2-3 से बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा था, अकेला का वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं। बच्चे क्या है दोस्तों, वहाँ पे चाइनीज मांझे को इतना यूज़ करते हैं ना, बस पूछिए मत। मैं अभी जिस दिन फ्री होगा ना, आपको वीडियो दिखाऊंगा वहाँ की, आप भी बोलोगे कि वास्तव में लोग कितने, मतलब बच्चे ही हैं सारे, बड़े तो खैर यूज करते हैं, वो लोग ऐसे हैं जो बस क्या होता है उन लोगों का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट रोहित भाई का भी बहुत ज़बरदस्त रहा है, इनका भी मैं जल्दी पूरी वीडियो डालूंगा, ठीक है। मैंने यूज किया इनकी डोर, इसका डालूंगा इसकी वीडियो। ये देखिए दोस्तों 12 रील की चरखी, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, ये 12 रील की चरखी है, इसमें 8 ही रील आए हैं। अब आप सोच समझ लीजिए कि क्या डोर होगी, 12 रील की चरखी में सिर्फ 8 रील आए हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।